नमस्कार मित्रों, आज के वीडियो में मैं आप लोगों को हनुमान जी महाराज को प्रसन्न करने का 3 उपाय बताऊंगा, जिसमें आपको धन की प्राप्ति होगा, आपके शत्रु का नाश होगा और आपकी इच्छा की पूर्ति होगा। मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा, हनुमान जयंती को ये उपाय अवश्य कर लेना। अगर रात में नहीं कर पाएंगे तो दिन में कर लेना, दिन में नहीं कर पाते तो रात में कर लेना। मैं जो उपाय बताऊंगा ये उपाय अचूक रामबाण की तरह काम करेंगे। 3 उपाय बताऊंगा, 3 उपाय में से आपको जो उपाय अच्छा लगे वो उपाय जरूर करना। देखिए, हनुमान जी महाराज की सेवा करने में काफी हमने समय बिताए थे, हमने हनुमान जी महाराज की काफी सेवा की थी, हमने बचपन से किए थे। तो हनुमान जी महाराज की कृपा ही समझ लीजिए, या फिर यूं कहूं तो भगवान राम जी हमारे इष्ट हैं, तो उनके कृपा ही समझ लीजिए। उनके कृपा के कारण हमें बहुत सारे आत्मज्ञान हुए थे। तो हनुमान जी महाराज को प्रसन्न करने का जो मैं 3 तरीका बताऊंगा, ये तरीके से आपके जन्म जन्मांतर की गरीबी मिट जाएंगे। आपको किसी भी प्रकार के ग्रह दोष लगा हो, किसी भी प्रकार के भयंकर श्राप लगा हो, भयंकर पाप लगा हो, सारे आपके पाप मिट जाएंगे। बस सच्चे मन से ये उपाय कर लेना। आपकी गरीबी, आपके जैसे कि गरीबी शत्रु आपको परेशान करें तो आपकी गरीबी रूपी शत्रु का नाश हो जाएंगे। अगर आपके दबी हुई इच्छा है तो दबी हुई इच्छा की पूर्ति हो जाएंगे। पहला उपाय है धन प्राप्ति करने के लिए आपको करना क्या है, 11 आपको साफ एवं स्वच्छ पान के पत्ते लेने हैं, और जो पान के डंठल है ऊपरी वाला हिस्सा जिसे हम वज्र बोलते हैं, ये हिस्सा आपको तोड़ लेना है, ये हिस्सा आपको रहने नहीं देना है। तो 11 आपको पान लेना है, और इस पान में आपको करना क्या है, बंदन से आपको शुद्ध घी में मिला करके राम लिखना है, श्री राम लिखना है, और ये बारी बारी से आपको लिखना है, और बारी बारी से लिखने के बाद हनुमान जी महाराज की मूर्ति उसके सामने में आपको चढ़ाना है। इस उपाय से अगर धन की कामना लेकर के यह उपाय करेंगे तो आपको अचानक से बड़ी मात्रा में धन की प्राप्ति होगी, और ये जो उपाय है अचूक है, इसका प्रभाव कभी विफल नहीं जाता। पूरे मन से हनुमान जयंती के दिन उपाय करना है आपको मित्रों। दूसरा उपाय, शत्रु नाश करने के लिए, चाहे कैसा भी शत्रु क्यों ना हो, चाहे वह इंद्र समान शत्रु हो, चाहे कैसा भी भयंकर तांत्रिक शत्रु क्यों ना हो, आपको करना है, शत्रु से अगर आप परेशान है तो हनुमान जयंती के दिन गदा और खड़ाऊ लेकर के हनुमान जी महाराज को भेंट कर देना, और आपको प्रार्थना करने की, भगवान आप हमारे ज्ञात और अज्ञात ये दोनों प्रकार के शत्रु का नाश करें। आपके ज्ञात और अज्ञात जो शत्रु है, चाहे आपके घर परिवार की क्यों ना हो, जो कि आपको ज्ञात नहीं, आपको निरंतर नुकसान करें, ऐसा शत्रु का हनुमान जी महाराज सर्वनाश कर देंगे। आप खुद देखेंगे आपके जीवन में ऐसा परिवर्तन, ऐसा मोड़ लाएंगे हनुमान जी महाराज के, आपके शत्रु ही नहीं रहेंगे। तीसरा, इच्छा पूर्ति करने के लिए किसी भी प्रकार की इच्छा हो जो आप पूरा करना चाहते हैं, तो हनुमान जी महाराज के मंदिर के सामने में जो बंदर रहते हैं उसको चने और गुड़ हनुमान जयंती के दिन अवश्य खिला देना मित्रों। जल्द ही इस उपाय से कुछ दिनों के भीतर में आपके इच्छा की पूर्ति हो जाएंगी। और एक उपाय अवश्य करना, हो सके तो हनुमान जयंती के दिन हनुमान चालीसा या फिर जो राम जी महाराज की स्तुति हुए लिखे होते हैं, जैसे कि सुंदर कांड हैं, ये लोगों को फ्री में जरूर बांट देना 108 की संख्या में। बड़ी सी बड़ी इच्छा की आपकी पूर्ति हो जाएंगे, बड़ी सी बड़ी आपके पाप मिट जाएंगे, इसकी गारंटी हम जो हम स्वयं लेते हैं। लेकिन हाँ, सच्चे मन से आपको हनुमान चालीसा का दान करना है, सुंदर कांड का दान करना है। तो आशा करता हूँ कि छोटे छोटे जानकारी आपके जीवन में परिवर्तन जरूर लाते होंगे मित्रों। नमस्कार, जय श्री राम, जय हनुमान।